गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट ऑल ऑफ यू मस्ट बी फाइन देयर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू सब्जेक्ट ऑफ योर 11th, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सब्जेक्ट. बराबर है, आप सभी का स्वागत है. मैं हूँ CA राम राठी, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज मास्टर्स इन मैनेजमेंट. और ये सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, आइए दोस्तों, आज हमारा पहला ही लेक्चर है. ये हम सिर्फ मस्ती करेंगे और कुछ नहीं. बराबर है, सिर्फ हम लोग समझेंगे ये सब्जेक्ट क्या है. ठीक है, तो सब्जेक्ट का नाम है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. तो सबसे पहले तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड यहाँ पे जैसे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है भैया, ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन का? आप लोग जानते ही होंगे सब लोग ऑर्गेनाइजेशन. बराबर है, तो ये आपने ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये वर्ड आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में कोई बड़ी इंडस्ट्री आती है कि छोटा किराना शॉप आता है, या मॉल आता है, बिग बाज़ार आता है, डीमार्ट आता है, या और कुछ आता है? मूवी थिएटर याद आता है, PVR, आईनॉक्स क्या याद आता है? बराबर है, कोई टॉकीज, स्कूल क्या याद आता है भैया? बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऊँची बिल्डिंग क्या याद आता है? क्या सामने दिख रहा है आपके? ऑर्गेनाइजेशन. तो दोस्तों मैं बता देता हूँ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तो अ ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट सिंगल, नॉट इंडिविजुअल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉर्म वन ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तो क्या हो, ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सम एम. देखिए क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल बिजनेस करना ये हमारा एम है, तो बिजनेस करने के लिए हम एक ग्रुप बना रहे, हम एक एक कंबाइंड ग्रुप ऑफ पीपल बना रहे जिसमें सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, जो सब पैसे लेके आ रहे हैं, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग कैपिटल एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट. तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तो कोई बिल्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं. बराबर है, ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सम ऑब्जेक्ट. उनके पास एक एम है, उनके पास एक ऑब्जेक्ट है, मे बी फॉर बिजनेस, मे बी फॉर क्लब्स, वट एवर इट मे बी, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, भैया आपने कॉमर्स में दो एडमिशन ले ली तो कॉमर्स तो आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज कॉमर्स. जनरली लोग बोलते हैं भैया कॉमर्स है क्या, लेमैन. कॉमन मैन की नज़रों में कॉमर्स क्या है? कॉमन मैन की नज़रों में कॉमर्स बोलेगा तो बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स. बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स का जो बिजनेस होता है ना, उसको कॉमर्स बोलते हैं. सही है, कोई गलत नहीं है उनका. हम उसको और बोलेंगे भाई स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, हम बोलेंगे उसको कॉमर्स, स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस. ठीक है, और फिर बाद में यहाँ पे मैनेजमेंट. दोस्तों व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो बहुत अच्छे से मालूम है आपको भैया. हमको कहीं बाहर जाना है, हमारे पास एक व्हीकल्स की कमी है, दोस्तों की पार्टी है, तो हम फोन लगाते हैं, टाक टाक टाक, हेलो कहाँ है बेटा, कहाँ है तू दोस्त, आजा तू मुझे लेने, मैं इस चौक पे खड़ा हूँ, मैं घर से पैदल निकलता हूँ, मैं इस चौक पे खड़ा रहूँगा, तू आ जाना, तू मुझे पिक करना, फिर मैं ड्रॉप, कोई मुझे ड्रॉप कर देगा घर पे. लाइक आप अपना फंक्शन अटेंड करना है तो आप मैनेज कर रहे. बराबर है, घर पे कई बार मैनेज करते हैं आप, काम को मैनेज करते हैं या फिर पेरेंट्स को मैनेज करते हो. बराबर आप, ठीक है, कहीं जाना है, मूवी देखने जाना है तो आप पेरेंट्स को प्रॉपर मैनेज करेंगे. ठीक है, तो व्हाट इज मैनेजमेंट, अब सबको अच्छे से मालूम है. घर मैनेज करना होता है, घर में हमारा इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो घर के हमारे लोग मम्मी फादर पापा ये सब घर मैनेज करते हैं, जैसे कि इनकम कितना, खर्चा कितना, कितना हमने सेविंग करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट. बराबर है, कोई इवेंट है, एक शादी है, शादी को मैनेज करना होता है ना,
बराबर है, कब दुल्ला आ जाएगा, कब बैंड बजेगा, कब किसका बैंड बजाना है, वगैरह वगैरह, सो एंड सो, खाना कब खाएंगे, बराबर है, फोटो कैसे निकलेगा, फोटो में मैं कहाँ से आऊँगा, किधर से आऊँगा, ऑल दिस थिंग यू हैव टू मैनेज, बराबर है ना भैया, कुछ गलत बोल रहा हूँ? नहीं ना, मैं गलत बोलता ही नहीं कभी, ठीक है, आइए। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, तो यू हैव सीन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सम ऑब्जेक्ट, हैविंग सम कॉमन ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज कॉमर्स, कॉमर्स लेमैन, इन टर्म्स ऑफ लेमैन कॉमर्स इज नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, बट वी कैन से दैट व्हाट इज कॉमर्स, स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, एंड देन व्हाट इज मैनेजमेंट, तो भैया लोकल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट है, इट इज नॉट सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, बट आप तो मैनेज करते ही हो सारी चीजें, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं मैनेजमेंट को बताता हूँ, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दूसरे से काम करवाने के स्किल को हम मैनेजमेंट बोलेंगे, मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट, इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं मैनेजमेंट को आर्ट बोल रहा हूँ, तो इट इज आर्ट, मैनेजमेंट इज साइंस एज वेल एज आर्ट, इनफैक्ट इट इज अ ब्लेंड अप टू साइंस एज वेल एज आर्ट, ब्लेंड बोलेगा तो मिक्स, तो दिस मैनेजमेंट इज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल वर्क्स फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट दे हैव टू मैनेज द थिंग्स, बराबर है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, एक ही आदमी, मतलब अगर हम डिवीजन ऑफ वर्क प्रॉपर करेंगे तो हमारा डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, प्रॉपरली काम असाइन होगा, बराबर है, राइट टाइम पे राइट वर्क करना जरूरी है, तो थ्रू दिस मैनेजमेंट वी कैन इंश्योर द थिंग्स प्रॉप, वी कैन इंश्योर दैट द आवर वर्क विल गो प्रॉपरली, टाइम से काम होगा, प्रॉपरली काम होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा, ठीक है, और राइट मैन एट राइट जॉब होगा, घोड़े को घोड़े का काम, गधे को गधे का काम, भाई हमको कैसा होता है, कोई स्किल्ड लोग होते हैं, कोई अनस्किल्ड होते हैं, राइट मैन एट राइट जॉब होना चाहिए, बराबर है, डेलीगेशन ऑफ वर्क होना चाहिए, ऑल दिस लाइज इन दिस मैनेजमेंट, तो फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज नेसेसरी, ये हो गया हमारा ब्रीफ डिटेल्स, तो दोस्तों आइए आगे बढ़ता हूँ मैं, चलिए, दिस इज ये जो है ये आपका बुक है, बोर्ड ने इशू किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 11, इसकी कॉपी मैं आपको अटैच कर दूंगा इस लेक्चर के साथ, आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है, इसमें पढ़ने लायक बहुत कुछ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रीएम्बल है, दैट यू हैव टू रीड, मैं नहीं रीड करूँगा अभी, नेशनल एंथम, प्लेज, एवरीथिंग यू हैव टू रीड, प्रीफेस, चलिए अब हम आते हैं सिलेबस के तरफ, आइए दोस्तों आ गए हम सिलेबस के तरफ, आपको दिख रहा है ये इंडेक्स चैप्टर, देयर आर 8 चैप्टर्स, नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस, नंबर 2 ट्रेड, नंबर 3 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस, नंबर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2, इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग बिजनेस, नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड लास्टली नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, तो ये सब हम देखने वाले हैं, आगे बढ़ता हूँ मैं, आ गया हूँ चैप्टर नंबर 1 पे, आइए दोस्तों 1, 2, 3 आइए, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ऑलरेडी वी हैव सीन द टर्म कॉमर्स, कॉमर्स बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स, स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस, अब देखते हैं व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस भी सब लोग जानती है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, स्टेट ऑफ बींग बिजी, आप उसी में बिजी रहते, दैट इज बिजीनेस, ऐसा नहीं, क्या होता है भैया बिजनेस, बिजनेस बोलेगा तो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बिजनेस क्या है, तो बिजनेस एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज, वर्क करना होता है, फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एफर्ट्स, सिस्टमैटिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन फॉर व्हाट, टू प्रोड्यूस और टू बाय और टू सेल गुड्स एंड सर्विसेस, गुड्स तो आप जानते ही हो,
सर्विसेज, डॉक्टर हमको क्या देता है? सर्विस। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या देता है? सर्विस। सर्विसेज इंटेंजिबल इन नेचर, जिसको छू नहीं सकते हम लोग, लेकिन एहसास जरूर कर सकते। इंटेंजिबल का तो मीनिंग आपको मालूम ही होगा, वो रूह के जैसा होता है, आत्मा के जैसा होता है, जो दिखता नहीं, छू नहीं सकते, परंतु एहसास हो जाता। और जब उसका एहसास होता तो हम डर जाते। तो ये हो गया मजाक का पार्ट हमारा। तो हम देख रहे थे व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है दोस्तों? ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, सिस्टमैटिक एफर्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज, सिस्टमैटिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन। काहे के लिए ये सब एक्टिविटी? टू प्रोड्यूस और टू बाय, टू ट्रेड, टू सेल गुड्स और सर्विसेज। गुड्स के साथ हमारे हमेशा सर्विसेज जुड़ी हुई रहेंगी। हम गुड्स भी बेचते हैं, गुड्स भी खरीदते हैं, हम सर्विस बेचते हैं, सर्विस खरीदते हैं, ठीक है। बट ऑल दीज थिंग्स, मतलब ऑल दीज सेलिंग एंड बाइंग एंड सर्विसेज देना जो भी है, फॉर व्हाट पर्पस? टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। हमारा मेन एम क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। तो दिस फॉर दैट पर्पस, दैट इज वी विल कॉल इट एज अ बिजनेस। तो आइए दोस्तों, हमारे चैप्टर नंबर वन में यहाँ सारी चीज़ें दी हुई है। ये क्या है? मयूरी, नेहा, राजेश, चार्मी, ये एक स्टोरी दी हुई है आपको, दैट यू हैव टू रीड एट होम। बराबर, इट इज मेंट फॉर यू, नॉट फॉर मी। भैया हम तो आते हैं सीधे इंट्रोडक्शन पे। चलिए, वैसे तो इंट्रोडक्शन आपका और मेरा हो चुका है, फिर भी अब ये सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बाकी है और हम देखेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन में हम देख रहे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। भैया हमको ह्यूमन बीइंग, हमारी आदत है क्या मालूम है? हमको बहुत चीजें चाहिए, बहुत, अनलिमिटेड वांट्स आर देयर। बराबर है, हम मतलब एक्चुअली हमको बहुत सारी चीजें चाहिए। हमको गाड़ी चाहिए, हमको मोबाइल चाहिए, बराबर है, दिख रहा ना आपको? हाँ, हमको मोबाइल चाहिए, हमको माइक चाहिए, बराबर है, और हमको कैमरास चाहिए, हमको कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, चश्मा स्पेक्ट्स चाहिए, बराबर है, कपड़े होना पहनने को, स्वाभाविक है ना यार, बिना कपड़े का कैसे होगा। तो आइए, हमको टीवी चाहिए, हमको प्रोजेक्टर चाहिए, हमको लाइट चाहिए, हमको खाना चाहिए, फूड चाहिए, हमको कैडबरी चाहिए, हमको पेप्सी चाहिए, हमको आइसक्रीम चाहिए, अनलिमिटेड वांट्स आर देयर, बराबर है। तो ह्यूमन बीइंग के अनलिमिटेड वांट्स है। क्या एक आदमी अपनी सारी वांट्स खुद ब खुद सेटिस्फाई कर सकता है? लगता है आपको? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए, सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं ना। आप जाइए स्टोन एज में, आप जाइए स्टोन एज में जाइए, या और भी मतलब बैक में जाइए, आपको पता चलेगा कैसी जिंदगी थी हमारी। ना हम घर बना सकते थे, बराबर है, केओज में रहो, ना कपड़े बना सकते थे, तो फिर क्या, नंगा थोड़ी रहेंगे ना यार, फिर क्या, लीव्स लगाओ, धीरे धीरे डेवलप हुए, हमको समझा। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी? हमारा ये सिविलाइजेशन का दौर धीरे 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 आगे बढ़ा, बराबर है, और क्या होता गया कि हमारी नीड बढ़ती गई। जब हमारी नीड बढ़ती गई, एक आदमी से ये असंभव होना हो गया कि सारी चीज़ें की पूर्तता करे। मैं ही खाना बनाऊँ, मैं ही कपड़े बनाऊँ, मैं ही सारी चीज़ें काम करूँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो कपड़े बनाना इतना आसान थोड़ी है ना यार, उसके लिए मुझे पहले कॉटन ग्रो करो, बराबर है, सीड लगाओ, उसकी रात देखो, कॉटन ग्रो होने के बाद में कॉटन निकालो, उसको जीनिंग करो, सीड अलग, कॉटन अलग करो, बराबर है, उसको प्रेसिंग करो, उसमें से धागा स्पिनिंग करो, वीविंग करो, बराबर है, और फिर जाके कपड़ा बनेगा, कलरिंग करो, डाइंग करो। तो भैया ये लंबी प्रोसेस है। तो एक आदमी के लिए
कपड़ा पहनना है तो 6 महीने पहले से उसको काम चालू कर देना पड़ेगा, तब जाके कपड़ा मिलेगा आपको। तब तक हम फूड का क्या, बराबर है, बाकी एक्टिविटीज़ का क्या, एजुकेशन का क्या, स्पेक का क्या, तो बहुत सारी इश्यूज है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर वन मैन टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज, बराबर है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर पुराने समय में हम बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम बोलेगा तो गुड्स के साथ गुड्स एक्सचेंज करना, ये सिस्टम डेवलप कर लिया था। भैया मेरे खेत में ना गेहूँ बनता है, तो आप ना आपके खेत का टोमेटोज हमको दे दीजिए, हमारे खेत के गेहूँ आप लेके जाइए, बराबर है। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम थी। बार्टर सिस्टम के अपने कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, बताओ क्या प्रॉब्लम थे। मान लो आप काऊ को जानते, गोट को जानते, वन काऊ इक्वल टू टू गोट, आप मुझे 2 गोट दीजिए मैं आपको 1 काऊ दूंगा, 2 बकरियां दीजिए मैं आपको 1 गाय दूंगा, बराबर है। दिस इज बार्टर सिस्टम, गाय बड़ी बकरी छोटी, बकरी 2-2 गाय 1, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, मान लो कि मुझे सिर्फ 2 बकरी में 1 गाय, तो 1 बकरी में कितनी, बताइए बताइए, अधिक है, काट के लेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप, तो संभव नहीं है। तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ आवर बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का हमारा ड्रॉबैक क्या है कि हम लोग हमेशा ये बार्टर सिस्टम में चीजों को एक्सचेंज करने में दिक्कतें आती है। तो फिर मॉनिटरी एक्सचेंज सिस्टम हमारा चालू हो गया, नोटें आ गई, मनी आ गया, कॉइन आ गया, करेंसी आ गई, बराबर है। लोग पहले वो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, हम का सब आके अब हम लोग फाइन तरीके से जी रहे हैं। तो बात ऐसी है भैया, तो हमको किसी एक व्यक्ति को एक काम लेके स्पेशलाइज होना है और वो चीज़ें सप्लाई करना है, दूसरा व्यक्ति दूसरा काम करेगा, वो हमारी नीड सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से हमारा ही व्यापार का कंसेप्ट शुरू हुआ, बराबर है। चलिए, आपने पुराने व्यापार के मार्केट भी देखे होंगे, हैव यू सीन द मूवी मोहेंजोदारो, देखिए क्या आपने, उसमें आपको दुनिया का पहला मार्केट ऐसा बताया गया जहाँ पे एक्सचेंज सिस्टम, करेंसी, सब कुछ बताया गया था, ठीक है। नहीं देखा होगा तो मूवी देख लेना, अभी लॉकडाउन पीरियड है, सब अलाउड है। चलिए, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, देखिए इंट्रोडक्शन में, ऑल ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यस हमको सब लगता ही लगता है, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, सो दे कीप देमसेल्व्स बिजी एंड डू सम एक्टिविटी थ्रू आउट देयर लाइफ। ऑल एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हम हमारे एक्टिविटीज को क्लासीफाई करते इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आइए दोस्तों, ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने 2 पार्ट में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक तो बताने में बड़ा अच्छा लगता है यार, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेगा तो, द मेन एम ऑफ सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज टू अर्न प्रॉफिट, पैसा, पैसा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ कोई मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन नहीं होता भैया, कोई पैसे की बात नहीं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन यहाँ होता है सेटिस्फैक्शन, बराबर है। सेटिस्फैक्शन वो खुद के दिल को तसल्ली देता है, बराबर है, कहाँ पे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उसका एम पैसे अर्न करना होता है ना। आइए दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजनेस, अभी अभी हमने देखा था स्टडी ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस में, सॉरी बिजनेस बोलेगा तो क्या, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन टू प्रोड्यूस एंड टू सेल सम गुड्स और सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। तो ये हो गया बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 चीजें दी उन्होंने, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस आप जानते हो, प्रोफेशन आप सब जानते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको हिंट देता हूँ, डॉक्टर, CA, ये क्या गुड्स प्रोड्यूस करते क्या, बराबर है, नहीं, डॉक्टर पेशेंट प्रोड्यूस करते, नहीं ना, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते, नहीं,
फिर कोरोना नहीं, डॉक्टर सर्विसेज देते, सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज देते, तो जो सर्विसेज देते हैं वो दीज आर प्रोफेशनल पीपल, प्रोफेस्ड इन, प्रोफेशनल बोलेगा तो प्रोफेस्ड इन पर्टिकुलर नॉलेज का, एक हाई लेवल का पर्टिकुलर एक चीज़ों का हाई लेवल का नॉलेज होता है, और वो नॉलेज को प्रैक्टिसाइज करके वो अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं, दैट इज प्रोफेशन। एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज देयर, सम पर्सन एक्सेप्ट द एम्प्लॉयमेंट एट अदर एंड वर्क्स फॉर हिम टू अर्न सम प्रॉफिट इन द टू अर्न सैलरी, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म टू सैटिस्फाई पर्सनल सोशल रिलीजियस कल्चरल सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे पैसा ये एक्सपेक्टेशन नहीं है, लोग हार्टेडली काम करते, अपने आप को सेटिस्फाई करते पर सोशल मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल कोई मंदिर में आप काम कर रहे हैं, बराबर है, सोशल रिलीजियस वर्क कर रहे हैं आप, तो आपको कोई पैसा थोड़ी देता है ना, आप अवेयरनेस फैला रहे, लोगों को जागरूक कर रहे, आपको कोई पैसा देता है क्या? नहीं, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, यार मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने सोसाइटी के लिए वर्क किया। पर्सनल के लिए तो सब वर्क करते ही है, सोसाइटी के लिए वर्क बहुत कम लोग करते हैं, बराबर है। विदाउट एनी मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन, पैसे का एक्सपेक्टेशन रखने मतलब बगैर आप वर्क कर रहे, दैट इज द ग्रेट थिंग, बराबर है। रिलीजियस कल्चरल सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट विदाउट एनी मॉनिटरी एक्सपेक्टेशन, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक, सर्विंग पीपल, कुकिंग बाय मदर, अरे बाप रे कुकिंग बाय मदर, आपको मालूम है कंटिन्यूसली मतलब 24 hours 365 days मदर्स काम करती है, वर्क करती है, दैट टू विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, दैट इज ट्रूली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइए दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ हम बढ़ते हैं, ध्यान दो पूरा मेरे स्पीड से, आपको अपनी स्पीड मैच करना होगा, पूरा आपका पूरा जो ये ईयर्स है ना पूरी मेरे तरफ, बराबर है, देखता हूँ किसमें है दम, बराबर है, जो जीतेगा वो बाजीराव सिंगम। चलिए दोस्तों मजाक का पार्ट अलग, आते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक्शंस दैट इन्वॉल्व प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन and consumption of goods and services at all levels within a society is called economic activity. देखिए economic activities में क्या involve होता, production, distribution, production producing goods, distribution carrying goods from one place to another, consumption of goods and services at all levels within society is called economic activity. For example, worker working in a factory for what purpose? To earn salary. Thus, economic activities facilitate earning livelihood. आपका मतलब रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए आपको जो पैसा लगता है, आपकी जिंदगी जीने के लिए पैसा जो लगता है उसके लिए आप काम करते हो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग business. बिजनेस को वैसे तो हमने देखा है और इनकी नज़रों से भी हम बिजनेस को देख लेते, बराबर है। चलिए बिजनेस रिप्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एफर्ट्स बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अकेला बिजनेस कर सकता है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दुकेला टिकेला, दो लोग दुकेला, तीन लोग टिकेला, दो लोगों की पार्टनरशिप, तीन लोगों की पार्टनरशिप, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैन एंटर इनटू बिजनेस एक्टिविटी, ऑर्गेनाइज एफर्ट्स, ऑर्गेनाइज एक्टिविटी, सिस्टमैटिक एक्शन ले सकते हैं। इट इज अ सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक स्पेशली बराबर डिजाइन अटेम्प्ट सिस्टमैटिक एफर्ट्स बाय अ बिजनेस पर्सन टू प्रोड्यूस गुड्स, to produce services and to sell them in the market
एंड टू रीप, टू टेक बेनिफिट, टू टेक एडवांटेज, टू रीप बोलेगा तो टू टेक बेनिफिट, टू टेक एडवांटेज, टू रीप द रिवार्ड, रिवार्ड बोलेगा तो बाय वे ऑफ प्रॉफिट, रिवार्ड बोलेगा तो यू विल गेट प्राइज, प्राइज यहाँ कैसे मिलेगा, बाय वे ऑफ प्रॉफिट, आप ये प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज दे रहे इसका रिवार्ड, इसका मोह बदला आपको क्या मिलेगा, प्राइस क्या मिलेगा, प्रॉफिट रिवार्ड। इट सैटिस्फाइज मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी, यू नो सोसाइटी की नीड्स कॉम्प्लेक्स नीड्स है, मल्टीपल नीड्स है, बहुत सारी नीड्स है, कॉम्प्लेक्स है, किसी को एरोप्लेन चाहिए तो किसी को क्या चाहिए, किसको फूड प्रोडक्ट चाहिए, किसको पिज्जा चाहिए, किसको पिज्जा एट होम चाहिए डोमिनोज, बराबर है, तो किसको बुलेट चाहिए, बहुत सारी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स आर देयर एंड ऑल दीज आर कॉम्प्लेक्स वन, इट्स नॉट लाइक दैट टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, इट्स नॉट सो सिंपल जॉब, इट्स वेरी टफ जॉब, बराबर है। चलिए आपको भी तो रिक्वायरमेंट होंगी ना भैया, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है आपकी, क्या सारी रिक्वायरमेंट इजीली सेटिस्फाई हो जाती है, नहीं, इट रिक्वायर्ड स्पेशल एफर्ट्स। दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एक्चुअली मीन्स मेकिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बोलेगा तो मेकिंग ऑफ गुड्स, इट मे बी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन आप एग्रीकल्चरल गुड्स भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, नया कुछ तो भी डेवलप कर रहे हैं आप या फिर फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन। गुड्स कैन बी प्रोड्यूस विथ मैन पावर और विद द हेल्प ऑफ मशीन, फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड इज देयर एंड यू आर गोइंग टू, यू हैव डिसाइडेड टू कल्टिवेट इट, आप उसकी पूरी मशागत करोगे और उसमें से सीड सो करोगे और क्रॉप निकालोगे, दैट इज कल्टिवेटिंग पीस ऑफ लैंड। ग्रोइंग फूड ग्रेन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यस। हाउएवर कन्वर्टिंग ऑयल सीड्स इनटू एडिबल ऑयल, मतलब आपको मालूम है ग्राउंड नट्स है, नट्स को आप प्रोड्यूस करते हो ग्राउंड नट्स को और उसके बाद में उसको क्रश करके उसमें से ऑयल निकालते, तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा, मतलब पहला वाला था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, अब ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं है, अब ये कैसा होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स बोलेंगे अपन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अलग, मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स अलग। तो यहाँ पे जैसे कॉटन सीड ऑयल है, सोयाबीन है, कॉटन सीड से कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन से सोयाबीन ऑयल आप बना रहे, तो दिस इज कन्वर्शन ऑफ सीड्स इनटू एडिबल ऑयल, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ मैन पावर, भैया मैन पावर भी लगता और मशीन पावर भी लगता, सिर्फ अकेले पावर से, मैन के पावर से कुछ नहीं होगा, मशीन पावर इज इम्पॉर्टेंट, टूल्स टेक्निक्स मशीन, बराबर है, वो जरूरी है। इट इज एन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स। नाउ एक बार गुड्स मैन्युफैक्चर हो गए, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, कैरी कर रहे ना गुड्स एक प्लेस से यहाँ पे, बराबर है, अमरावती से दारवा, दारवा से कारंजा, कारंजा से पूसत, पूसत से चंद्रपुर, बराबर है, परतवाड़ा, आप कहीं पे भी कैरी कर रहे गुड्स तो इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग बोलेगा तो गुड्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन्स में हम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजिंग अवर गुड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, आपका गुड्स आपने बना के रखा लेकिन जब तक लोगों को उसकी जानकारी नहीं होगी तो आपका गुड्स बिकेगा नहीं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी है। विच फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू दी फाइनल कंज्यूमर, आप कोई भी गुड्स बनाते हो तो काय के लिए बनाते हो, अल्टीमेट कंज्यूमर को कंज्यूम करने के लिए बनाते हो, तो आपको वो गुड्स वहाँ अवेलेबल करवा देना होगा, बराबर है ना। दोस्तों कुछ गलत बात बोल रहा हूँ, वैसे मैं गलत बोलता ही नहीं फिर भी मैं आपको पूछ रहा हूँ, बराबर है, ठीक है। तो विच फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू दी फाइनल कंज्यूमर, कंज्यूमर बोलेगा तो एंड यूजर, जो कंज्यूम करता है ऑयल, प्रोड्यूस करता है कोई ऑयल वाला, और कंज्यूम हम आप अपने किचन में अपन सब्जी बना के, बराबर है, या चटनी के ऊपर लेके तेल को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिजनेस, अब देख रहे हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों ये 30 मिनट की क्लिप हो रही है मेरी अभी, लेकिन मैं फिर भी
ये डेफिनेशन ऑफ बिजनेस देखता हूँ, मतलब पढ़ लेते हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोग बाद में देखेंगे। आइए दोस्तों, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, प्रोफेसर हनी, प्रोफेसर हनी, आपको सब नाम याद रखना है भैया, ऐसा नहीं है हनी मत बोलना, वो हनी है तो हनी रखना, तुम्हारा क्या, तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं जानता हूँ तुम्हारी मेंटालिटी को। आइए दोस्तों, प्रोफेसर हनी, बिजनेस एक्टिविटीज आर, देखिए बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड, डायरेक्टेड किधर, किधर डायरेक्ट किया, टुवर्ड्स द प्रोडक्शन, एक्टिविटीज टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, प्रोडक्शन करो और वो एक्टिविटीज अल्टीमेटली प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ, हम लोग पैसा बना रहे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस एक्टिविटीज। अब भैया और प्रोफेसर प्राइड है, ये क्या है भैया, ये है ह्यूज एंड कपूर, इन्होंने भी बिजनेस की डेफिनेशन दी हुई है, देखते क्या बोलते, ये भी समझने, हम पढ़ तो लेते हैं, बाद में देखेंगे किसको क्या समझना है। दी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स, हाँ हाँ यार पढ़ गया अपने को, सिस्टमैटिक एफर्ट्स, भाई ऐसा थोड़ी होता कुछ भी कर दिया तो चलेगा क्या, सोच समझ के विजन रख के हमको बिजनेस करना होता है, सिस्टमैटिक वे में एफर्ट्स करने होते हैं ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन, मेरे हिसाब से तो टू प्रोड्यूस एंड टू सेल फॉर अ प्रॉफिट, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफकोर्स गुड्स भी और सर्विसेज भी, एंड टू सेटिस्फाई द सोसाइटीज नीड्स, यस दिस डेफिनेशन इज गुड, हम इसको, इस डेफिनेशन को स्टार मार्क करेंगे और ये लिखने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। प्रोफेसर प्राइड, ह्यूज और कपूर, क्या बोलते हैं ये कपूर साहब, प्रोफेसर प्राइड साहब, तो बोलते हैं व्हाट इज बिजनेस, तो बिजनेस इज द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, सिस्टमैटिक एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड टू सेल फॉर प्रॉफिट, बराबर है, द गुड्स एंड सर्विसेज एंड दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स, दैट सेटिस्फाई द सोसाइटीज नीड्स, है ना दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूँगा, चलिए चलो बाय बाय।